चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने सीख लिया था कि कैसे हम दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग करते हैं। ठीक है, पूरा टॉपिक हमारा कवर हो गया था और पूरा भी हो गया था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये टॉपिक शुरू होने वाला है। ये टॉपिक वैसे आपने पढ़ भी रखा है। कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे माइक ऑन करके बताएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है? हाँ, कोई भी माइक ऑन करके बताओ परिभाषा। मैम, जो संख्या पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखी हो और पी बाय क्यू पूर्णांक क्यू 0 के बराबर ना हो। आपने बोला जो पी वाई क्यू के रूप में होती है, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं। और कुछ पूरी हो गई क्या परिभाषा? मैम, क्यू 0 के बराबर नहीं हो। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। है ना, क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही है हमारी परिमेय संख्याओं की परिभाषा। ठीक है। देखो, अब आपको यहाँ पे डायग्राम सॉरी डायग्राम दिख रहा होगा। ये क्या बना रखा है इसने? इसने दिखा रखा है, ये जो पिंक कलर है ना, ये पूरा हिस्सा पूर्णांकों का है। बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला जो अंडाकार आकृति है, ये पूर्णांकों की है, इंटीजर्स की है। ठीक है, तो पूर्णांकों में क्या क्या आते हैं आपको तो पता है। पूर्णांकों में क्या क्या आते हैं? 0, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक, जो 0 के बाईं तरफ को होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप हो गया मेरा ही पूर्णांक का, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। सिंबल होता है इसका जेड, कैपिटल जेड। ठीक है, अब आपको ये पता है कि 0 से लेके यहाँ अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक नहीं, 0 से बेटा धनात्मक पूर्ण संख्या है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। पूर्ण संख्या बोलते हैं ना, पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसी को हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। होल नंबर है ना, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आया 1 से लेके इनफाइनाइट तक वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। प्राकृतिक संख्या, नंबर या प्राकृतिक संख्या। वेरी गुड, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, देखो ये दोनों तरीके की जो संख्या है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या, ये दोनों के दोनों पूर्णांकों के अंदर ही आ रही है ना। मैंने आपको क्या किया, मैंने सबसे पहले पूर्णांक बना दिए और पूर्णांकों के अंदर ही मैंने शो कर दिया कि नेचुरल एंड होल नंबर दोनों ही इंटीजर्स के अंदर ही है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ यहाँ पे? यस मैम, यस मैम। तो यही डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। ये वाला पूरा एलिप्टिकल जो है, अंडाकार आकृति है पूर्णांकों की, इंटीजर्स की। ठीक है, उसके अंदर हमारा पूर्ण संख्या आ रहा है और उसी के अंदर हमारा प्राकृतिक संख्या आ रहा है। ठीक है, ये हम डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बात कर लेती है परिभाषा की, परिमेय संख्या की, जो आपने मुझे बताई कि ऐसी संख्या है जिसको मैं पी बटे क्यू के रूप में लिख सकती हूँ, जहाँ P और Q दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। मतलब ये दोनों नंबर हमारे इंटीजर्स के अंदर से ही आने चाहिए और Q हमारा 0 के बराबर ना हो। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी हो जाए बट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक अंक हम लेते हैं, एक संख्या लिया मैंने, तो देखते हैं क्या ये परिमेय संख्या है। इसको सबसे पहला p बटे क्यू का रूप है, बिल्कुल है, p बटे क्यू का ही तो रूप है। अब बताओ, दो और तीन दोनों ही पूर्णांकों में आते हैं ना, इंटीजर्स में 2 भी आता है 3 भी आता है, तो हो गया ना। और q हमारा यहाँ पे क्या है? 3 के बराबर है, तो q 0 नहीं है, तो इसमें क्या बोल सकते हो कि 2/3 हमारा एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? यस मैम। बेटा विकास एक ही बार लिखो, एक बार वाई टाइप नहीं करना। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं लिखती हूँ माइनस का 5।
माइनस का पांच को चेक करते हैं, ये परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है या नहीं, तो माइनस के पांच के नीचे कुछ नहीं है, तो वन लगा दो. यस मैम. वन लगा दो, बन गया पी बट्टे क्यू का रूट. और आपको पता है माइनस का पांच और एक दोनों ही पूर्णांकों में है, है ना, पूर्णांकों में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स में ऋणात्मक संख्याएं भी तो आती हैं, सारी माइनस वाली संख्याएं पूर्णांकों के अंदर ही होती है, इसलिए माइनस का पांच भी एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर होगा. ठीक है. अच्छा, एक मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या वो मैंने सही बोला है. मैंने लिखा सभी पूर्णांक परिमेय संख्या. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग बेटा, टाइम पे क्लास ज्वाइन करो. ठीक है मैम. कॉन्सेप्ट चले गया जो मैंने समझा है. इंग्लिश मीडियम वाला कोई है क्या यहाँ पे? यस मैम. All integers are rational number. आप मुझे चैट सेक्शन में सिर्फ लिखिएगा क्या मैंने ये स्टेटमेंट सही लिखी है या गलत है. सभी बच्चे ट्रू और फॉल्स. विकास में क्लास में निकाल दूंगी आपको अगर अगली बार मुझे यहाँ पे वाई से ज्यादा बार टाइप दिखा दो. कोई ऐसा बच्चा जो फॉल्स बोल रहा हो? सभी ट्रू बोल रहे हैं, तो है ना. हाँ, एकदम सही बोला, ये एकदम स्टेटमेंट ट्रू है. ट्रू कैसे है कि मैंने एक पूर्णांक, पूर्णांकों की पूरी मतलब पूरा ग्रुप ही ले लेते हैं, ये रहा पूर्णांक अनंत तक और ये भी ऋणात्मक संख्या है अनंत तक. अब सभी को आप पी बट्टे क्यू का रूप में लिख दो, सबके नीचे वन लगा दो, सभी के नीचे वन लगा दो, सभी पूर्णांकों के नीचे लगा दिए सभी पूर्णांकों के नीचे वन, ये सभी के सब बन गए पी बट्टे क्यू का रूप, सबके सब पी बट्टे क्यू का रूप है. अब सबके क्यू में, सबके क्यू की वैल्यू वन है ना, इसने बोला कि क्यू में वन मतलब क्यू में जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू में जीरो है ही नहीं, वन है ना, और ये सारे के सारे पूर्णांक है, तो आप बोलोगे कि जितने भी पूर्णांक है वो सभी के सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं. ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर. ये सभी को क्लियर हुआ? यस मैम. अब एक और स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं और अब करके, अब वो सही है या गलत है आप मुझे बताइएगा. All natural and whole numbers are irrational numbers. सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है. साफ आवाज नहीं आ रही. यस मैम. मेरी आवाज नहीं आ रही. बेटा मेरी तरफ से प्रॉब्लम तो नहीं है, अभी ठीक आ रही है? यस मैम. मैंने आपसे बोला कि क्या सभी के सभी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है? Yes or no? इसमें भी सभी बच्चे यस बोल रहे हैं ना. बेटा सौरभ के नाम से जो बच्चे हैं आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो. एकदम ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. आप खुद देखो ना, जब सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या हैं, तो पूर्णांकों के अंदर ही तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं आती है, तो ऑटोमेटिकली ये भी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी, चाहे तो आप एग्जांपल ले लो. यस मैम. है ना, तो स्टेटमेंट से क्लियर है, ये जीरो से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर. यहाँ पे भी सबके नीचे वन लगा देते हैं, और वन से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं क्या है? नेचुरल नंबर है ना. सभी के सभी पी बट्टे क्यू का रूप है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. ठीक है. हाँ, जिसको नहीं आ रहा वो पूछ लो. तो मेरी आवाज भी क्लियर है? मैं साफ आवाज नहीं आ रही. बेटा बाकी और कोई है जिसको आवाज नहीं आ रही हो? नो मैम. हाँ नो मैम.
बेटा सौरभ के नाम मैम, से जो बच्चा है आप अपने क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, तो मेरे तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कुछ, आवाज सही आनी चाहिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए ना। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा अगला कि मैंने लिखा कि एक दशमलव छह, क्या ये एक परिमेय संख्या है? 1.6 क्या एक रैशनल नंबर है? यस और नो? नो मैम। चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे। मतलब कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। विकास ये लास्ट वार्निंग थी, मैं आपको अब क्लास से रिमूव कर रही हूँ, बोला था ना मैंने इतनी बार वाई नहीं लिखना, मुझे समझ में आ जाता है ना एक बारी में। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कुछ बच्चे बोल रहे नहीं है, चलो इसको समझ लेते हैं। वैसे इसका आंसर है, चलो आंसर पे बाद में जाएंगे। एक चीज यहाँ पे देखिए, 1.6 को जब मैं यहाँ पे डेसिमल हटाऊंगी, नीचे 10 आएगा, यहाँ से मैंने डेसिमल जी हटाया, मैम। नीचे 10 ही तो आएगा, 16/10 हो गया, 16/10 है ना। अब काट दो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 8/5 आ गया। अब मुझे बताओ 8/5 एक परिमेय संख्या है, यस या 8/5 मैम। एक रैशनल नंबर है? यस है ना। तो यस मैम। बस मतलब मैंने एक दशमलव संख्या को एक परिमेय संख्या में बदल दिया, मतलब यस ऐसी मैम। दशमलव वाली संख्या है जिनको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख देते हो, वो सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। इसको उतार लीजिए कॉपी में, फिर अगला एग्जाम्पल करते हैं। मैम उतार लिया। मैम उतार। मैम मैं उतार। उतार उतार लिया, चलो नो मैम। चलो नो उतार मैम। लीजिए, उतार उतार लिया। लीजिए। यस मैम। नो मैम। उतार लिया मैम। अब मैंने लिखा, चलो यहां लिखती हूँ, वर्गमूल 4 क्या ये एक परिमेय संख्या है? अंडर रूट 4 यस रैशनल मैम। नंबर है ये? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। कोई ऐसा है जो नो बोल रहा है? वेरी गुड नैना। एकदम करेक्ट। देखो वर्गमूल 4 का मतलब क्या है? वर्गमूल 4 किसका दो होता है? वर्ग दो दो का, का दो का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल 2 होता है। वैसे ही 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। ये तीन नंबर्स आपके याद तीन होने चाहिए ना। 16 का होता है 4, चार 25 का होता है 5 पांच है ना। इसी तरह 36 का होता है 6, 18 छह 6 वर्गमूल 18 किसका होता है? 18 होता है किसी का? नो मैम। नो मैम। बताइए, नहीं होता ना।
बबलू कौशिक के नाम से अभी एक बच्चा ज्वाइन हुआ है। बेटा पिछली क्लास में आप सिर्फ 10 मिनट के लिए क्लास में थे, ठीक है? आज आपने पूरी क्लास लेनी है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। 10 मिनट के लिए कोई बच्चा क्लास में नहीं आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कम से कम 50 मिनट तो आपकी अटेंडेंस होनी ही चाहिए। मैम अमित भी है, मैम हाँ अजय तीन भी, अमित भी, क्या बेटा? क्या हुआ? क्या चलिए देखो, आपको निकालना आता है 18 का भी हम निकाल सकते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको। आपको सभी को एलसीएम करना यस आता होगा। करें 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो आपको ना वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि दो दो का जोड़ा बनाना, दो एक जैसी संख्याओं का जोड़ा बनाना। जैसे वर्गमूल 4 का क्या मतलब है? वर्गमूल 4 का मतलब है 2 गुणा 2, है ना? तो तभी आता है कि वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, है ना? तो वर्गमूल से जब कोई संख्या बाहर आती है दो दो के ग्रुप में, तो वो बाहर आके सिर्फ एक ही नंबर आ जाता है वही, और वर्गमूल हट जाता है, ये आपको पता है। सेम हम 18 को क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे 3 का तो जोड़ा है लेकिन 2 का जोड़ा नहीं है, तो 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। देखो वर्गमूल 18 को हम 3 वर्गमूल 2 लिखते हैं, लेकिन ये एक पूर्ण वैल्यू नहीं है ना, होल नंबर नहीं है ये, है क्या? इसलिए हम बोलते हैं कि वर्गमूल 18 क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है, है ना? क्योंकि उसके लिए पूरा नंबर होना चाहिए, या तो पूरा पूरा नंबर होना जरूरी है ना बेटा, तभी तो वो परिमेय संख्या बनेगा। आप मुझे बताओ 3√2 क्या एक पूर्णांक होता है? पूर्णांक है क्या 3√2? नहीं है ना? नो मैम, आप इसे ये लिख भी दोगे तो ये तो पूर्णांक ही नहीं है, पूर्णांकों में आता ही नहीं है। इसलिए आप बोलोगे कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल एक ऐसी संख्या ना आ जाए जो पूर्णांकों में आ रही हो, है ना? परफेक्ट स्क्वायर जिसे हम कहते हैं, तो हमारा वो संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर इतना? यस मैम। इसको उतार लीजिए कॉपी में। मुरारी के नाम मैम से जो उतार बच्चा है बेटा, लिया, मुरारी के नाम से जो बच्चा है, मैम उतार यस मैम, बेटा पिछली क्लास आपने बहुत कम देर की ली थी ना, आप टाइम पे क्लास में आए हो, 6 बजने वाले हैं, इतने लेट में क्यों क्लास ज्वाइन करी आपने? पूरा कॉन्सेप्ट चले गया। उतार मैम सभी ने उतार लिया। लिया? अच्छा एक और काम करना बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपके नाम लिखवाए थे ना, तो रिकॉर्डिंग में आए नहीं, आप ना फिर से अपना अपना नाम लिख दो एक बार फिर से। कुछ कुछ बच्चों के ही आए, कुछ के नहीं आए, तो एक बार फिर से अपना अपना नाम लिख दीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पोल में देती हूँ उसके बाद। जल्दी से नाम लिख दो अपना अपना। जल्दी जल्दी, फिर मैं एक पोल में सवाल दूंगी आपको। बेटा मुरारी के नाम से जो बच्चा आपने नाम में लिखा, अभी तक आवाज आ रही है मेरी? सभी बच्चों का अपना अपना नाम लिख, जितने बच्चे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ पोल में करने के लिए। मैम साफ आवाज नहीं आ रही है। बेटा क्लास दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपके अलावा बाकी सबको आवाज आ रही है, आप ही को नहीं आ रही, बस बाकी सबको आ रही है। देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, जो नहीं है उस पे टिक करो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? पोल चालू,
बेटा पोल में आ गया होगा सवाल, देखो। यस एम, कितनों ने आंसर कर दिया? 11 बच्चों ने और सबका आंसर ठीक है। वेरी मैम, सबका ठीक है? हाँ सबका ठीक है। अब दो बच्चों का गलत हो गया है, कोई बात नहीं, सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन करो क्लास जल्दी से। मैम आ रही है। दोबारा ज्वाइन कर लो जिसको नहीं आ रही स्क्रीन। हाँ क्या हो रहा है बेटा? सौरभ के नाम से जो बच्चा है, आज लग नहीं रहा मुझे कि आपको आवाज आ रही है ढंग से, है ना? यस मैम, साफ नजर नहीं आ रहा मुझे आपकी आवाज साफ आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है ना? मुझे आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है जब आप बोल रहे हो तो। एक काम करना बेटा, अगर नहीं आ रही तो आप ना 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन करके देखना। बेटा 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन करके देखना, क्योंकि आपको बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी, अभी आ रही होगी, है ना? चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। यस मैम। आखिरी के 5 मैम। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। एकदम करेक्ट। देखो ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन है 4/5, 4/5। बिल्कुल ये तो परिमेय संख्या है, पी बट्टी क्यू है, और ये पूर्णांकों से लिए गए हैं। क्यू 0 के बराबर नहीं है, ये पूर्णांक है। 7 को क्या लिखोगे? 7/1। सेम ये भी पूर्णांक है। 2.4 को क्या लिखोगे? दशमलव हटाओगे, नीचे 10 आएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 12/5, 12/5 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। अब देखो वर्गमूल 7, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है, है ना? सिर्फ वर्गमूल 7 है जो परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सब है ना? क्योंकि आपको पता है पूर्णांकों में वर्गमूल 7 तो आता ही नहीं है, नहीं आता ना, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है, रैशनल। यस मैम। ठीक है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। डी के अलावा सब परिमेय संख्या है, डी नहीं है। अगला सवाल करें एक और। यस मैम। ठीक है, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है, पहचानो कौन सी है इस बार। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? इनका वर्गमूल, कौन सी संख्या के वर्गमूल होते हैं ये सब, देखो कौन सा है एक परिमेय संख्या। मैम कितनों का आंसर आ गया? अभी 3 ही बच्चों का आया, क्योंकि मैंने थोड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है ना, हो सकता है टाइम लगे इसलिए। बिल्कुल आराम से करिएगा। मैम कितनों का ठीक है? 4 में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, स्क्रीन तो दिखनी चाहिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है। दिख रही है, दिख रही है मैम। हाँ बेटा सबको दिखनी चाहिए, जिसको नहीं दिख रही दोबारा ज्वाइन कर लीजिए।
बेटा देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। आपको आता है वर्गमूल निकालना? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था एलसीएम लेके निकालते हैं। बेटा एलसीएम लो और बनाओ, जोड़े बनाओ, पेयर बनाओ। 12 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम हो गया। तुम न मैम हो गया, हो तो गया, पर इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम बच्चों का गलत जा रहा है ना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? पहले तो आपको कम से कम 20 तक याद होने चाहिए थे। अगर कम से कम 20 तक आपको वर्गमूल याद होते तो आपका आंसर देखते ही पता चल जाता आपको। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे देखते ही आंसर पता करते हैं। 18 में से सिर्फ 6 बच्चों का आंसर ठीक है। कितने का? 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। दीदी 3-4 बच्चे रहते हैं, जल्दी से कीजिए। मैम कितने बच्चों का आ गया? आवाज नहीं आ रही बेटा, अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। अभी आ रही है? यस मैम। मैंने बोला बबलू कौशिक के नाम से जो बच्चा है बेटा, अगली क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। पिछली बार भी 10 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करी थी और अभी भी आ रहे हो फिर जा रहे हो। मुझे नाम याद रहते हैं, नाम एकदम याद रहेगा मुझे। चलिए 2-3 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से कीजिए, फिर एक्सप्लेन करूंगी मैं। आवाज नहीं आ रही बेटा, मैं अभी कुछ बोल रही हूँ ना, इसलिए नहीं आ रही। 500 रह गया। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं, 5 सेकंड का समय और। 5, 4, 3, 2, 1। अब जिन्होंने भी जो जो आंसर किया है ना, सभी चैट सेक्शन में भी लगाओ वही आंसर, जो भी आंसर टाइप किया है पोल में अभी बच्चे। ठीक है, अब देखिएगा एक लिस्ट आपको दिखा रही हूँ। 9 का मतलब 81 का होता है 9, 100 होता है 10 का, 121 होता है 11 का, 144 होता है 12 का, 169 होता है 13 का, 196 होता है 14 का। स्टॉप हो गई, स्क्रीन कट गई। क्या हुआ मैम? स्क्रीन कट गई। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो मैम, आ गई। एक मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। मैम दिख रही है? आ गई। एक मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुक जाओ बेटा, थोड़ी देर के लिए चली जाती होगी आप तो बिल्कुल। तो गई। एक मिनट रुक जाओ नितिन, अब बताइए मैम।
अब दिख रही है? आ गई मैम। हाँ आ गई मैम। ठीक है। हाँ देखो 14 तक का मैंने लिख दिया। अब आप ऑप्शन वाइज देखो इसमें से कौन सा है 169 वाला। कौन सा है 169? मैम सी मैम 13। देखो यही तो है, बाकी तो ये एक होते ही नहीं किसी पूर्ण संख्या के वर्गमूल, तो कैसे लगा दिया आपने इसलिए कौन सा आंसर सही होगा? सी सही आंसर है इसका। सभी बच्चे ध्यान से देखो, क्लियर हो गया सभी को? मेरा भी सही है, सिर्फ 6 बच्चों का सही है। मेरा भी सही है। मैम मेरा सी किया था। मेरा भी ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको दिखाई दूंगी पोल रिस्पॉन्स और मैं भी देख ही लूंगी किसने किसने सही। अच्छी बात। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर। नो मैम। ठीक है। अगला टॉपिक है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। जोड़ देखते हैं परिमेय संख्याओं का। देखो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं माइनस वाली संख्याओं का जोड़ आपको सिखाऊं। जैसे मैं बोलूं माइनस के 3 और 4/5 को आपने जोड़ना है, माइनस का 3 और 4/5 को जोड़ना है, तो सबसे पहला स्टेप 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना पहले स्टेप में। क्या आएगा एलसीएम? तो 5 ही आएगा ना। क्यों 5 आएगा? क्योंकि साथ में 1 है, साथ में 1 है तो वही संख्या एलसीएम में आती है। अगले स्टेप में जो मैंने आपको बताया था, ऊपर माइनस का 3 है ऐसे उतार दो, गुणा लगाओ बॉक्स, बीच में प्लस का निशान है प्लस लगा दो, फिर 4 है 4 उतारो, गुणा लगाओ बॉक्स बनाओ। अगले स्टेप में 1 के पहाड़े में 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 5 बार। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बार। 1 बार उल्टा होता है ना। अब कर दीजिए माइनस के 3 को 5 से जब आप गुणा करेंगे क्या आएगा? 15। और एक संख्या माइनस की है तो आंसर में भी माइनस का निशान आएगा, क्योंकि जब भी एक संख्या माइनस की हो आंसर में माइनस जरूर आता है। वेरी गुड बेटा, प्रवीण के नाम से बच्चे आपने कर भी लिया। प्लस 4 को 1 से करोगे 4 आएगा, डिवाइड बाय 5। अब एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की हमेशा माइनस होगा। 15 में से 4 जाएंगे क्या आएगा? 11। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 15 है जिसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर आएगा माइनस का 11/5। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। नहीं क्लियर हुआ? किसको किसको नहीं आया ये? मैम मेरा सही है। हाँ सही है बेटा साहिल, सभी को आ गया? मैम मेरा सही है। यस मैम आ गया। यस मैम। जिसको नहीं आया कौन से स्टेप में नहीं आया मुझे बताओ, कौन से स्टेप से नहीं आया? मैम मेरा सही है। हाँ सही है बेटा हर्ष, कौन से स्टेप से नहीं आया बेटा जल्दी से बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैम आ गया। आ गया पोल में दे दो। मैम आ गया सभी को। पोल में दे दो सवाल। यस मैम। पोल में दे दो सवाल पक्का? मैम पोल में सवाल। यस मैम पोल में दे दो। दे दो मैम सवाल। ठीक है चलो पोल में दे दे। मैम पोल में। ठीक है एक सवाल चलो पोल में कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए लेकिन, वैसे ही हमने रिवीजन में भी कर ही चुके हैं है ना, रिवीजन वाली क्लास में कर चुके हैं। चलो इसको छोड़ो, मैं एक ना माइनस वाली संख्या का देती हूँ, इसको मत करना। इसको कीजिए माइनस का 15/14 और 11/7 का योग करना है। ठीक है तो कीजिए।
एलसीएम पहला स्टेप है एलसीएम लेना। पहले स्टेप में एलसीएम लेंगे। देखो तीन बच्चों ने आंसर किया, तीनों का अलग अलग आंसर आया है। मैं कॉपी दिखाऊं? नहीं अभी नहीं, अमित लास्ट में। कितनों का आ गया? 11 में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है। और आप सब बोल रहे थे मैम क्वेश्चन दे दो, तो आपको तो सबका ठीक होना चाहिए था ना। मैम कितनों का आ गया? 15 बच्चों का आ गया है बेटा, बस वही रिस्पांस बहुत गंदा है। 15 में से 6 बच्चों का आंसर ठीक है सिर्फ। तभी मुझे अपनी अपनी कॉपी भी दिखाना जब मैं बोलूंगी। देखो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि सिर्फ 6 बच्चों का आंसर सही आया है, तो आप दोबारा भी अपनी कॉपी में कर लो। मैं बार बार बोलती हूँ कि जब क्वेश्चन करते हो उसको 2 बार चेक कर लो। हम कॉपी दिखाओ। नहीं अभी नहीं बेटा, लास्ट में भी रुक जाओ। 5-6 बच्चे अभी भी रहते हैं, जल्दी से आंसर करिए। आवाज नहीं आ रही यार। बेटा मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम, थोड़ी थोड़ी आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है, मुझे लग रहा है आज ना। हाँ आज आपका नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मैं करवाती हूँ सवाल। 5 4 3 2 1 देखना चाहोगे क्या कितने बच्चों ने? देखो सभी ऑप्शन पे टिक हुआ है। दिखा हाँ कॉपी दिखा दो आप मुझे जल्दी से, कॉपी दिखा दो।
उठाना चाह रहे हो? बेटा साहिल गलत है। नहीं मैम मेरा ठीक है। पूरे बेटा इतनी जल्दी कॉपी मत हटाओ ना, थोड़ा पास लेके आओ कॉपी। ललिता नाम से बच्ची, सीधी करो कॉपी, टेढ़ी नहीं रखनी। हाँ करेक्ट है आपका, एकदम सही है। प्रवीण के नाम से बच्चा आपका भी एकदम करेक्ट है। दो बच्चों का ठीक हो गया। और किसी को दिखानी है कॉपी? कॉपी दिखाओ बेटा, मेरे को भी तो पता चले आपने क्या मिस्टेक करी है। मैं देखो मैम, देखो। हाँ अमित एकदम करेक्ट है बेटा आपका भी। नेक्स्ट चलो अब मैं करवा रही, मेरे से मैच करेगा आंसर। मैम सी आएगा इसका, सॉरी ये तो आएगा, पर सी सबने नहीं किया ना। सबसे पहले एलसीएम तो सभी ने ले लिया होगा, 14 और 7 का एलसीएम है ना, 2 से गया 2 7 14 14 ही आएगा इसके एलसीएम है ना, 14। ऊपर जो संख्या उतार लो, माइनस का 15 गुणा बॉक्स, बीच में प्लस का निशान, 11 गुणा बॉक्स। 14 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? एक बार आता है। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आता है? दो बार आता है। 7 × 2 = 14 है ना, 7 × 2 = 14। माइनस के 15 को 1 से गुणा करोगे, माइनस का 15 आएगा, 11 को 22 से करोगे, 22 आएगा। अब देखो मैंने आपको बोला था जब भी एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो दोनों को घटाते है ना, जोड़ के रहो। काफी बच्चों ने जोड़ दिया है 15 और 22 को, ये गलत है। जोड़ते तो जब तब दोनों या तो प्लस के होते या दोनों माइनस के होते। बड़ी में से छोटी घटेगी। हाँ जब दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटाना है ना, 22 में से 15 जाएंगे कितना आएगा, 7। अब बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या है 22 जिसके आगे है प्लस का निशान, प्लस का 7/14। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। एक बताइए समझ में आया? एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं? कौन से स्टेप से समझाऊं ये बताओ। मैम ये यहाँ पे 15 और 22 का यहाँ पे है। ठीक है लास्ट, मतलब देखो गुणा करके क्या आया, गुणा करके आया माइनस का 15 + 22/14। हमेशा याद रखना ये दिमाग में, जब चिन्ह है ना, चिन्ह देखना है अपने संख्याओं के आगे। 15 के आगे माइनस का निशान है, 22 की आवाज नहीं आ रही बेटा। बाकी सबको आ रही आवाज? आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, या तो 8:30 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर लेना या रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है हमेशा याद रखना 15 के आगे माइनस का निशान है, 22 के आगे प्लस का निशान है ना। उल्टे हैं, अलग अलग हैं तो हमेशा घटती है संख्या है। 22 में से 15 घटाओगे 7 आएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, लास्ट में बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या कौन सी है, 22 है, जिसके आगे है प्लस का निशान, प्लस का 7/14। अब जो कट रहा है काट दो, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, प्लस का 1/2। आप समझ में आया मैम? ये 15 में ये बॉक्स है यहाँ पे, 1 और 2 कहाँ से आया ये पूछ रहे थे हम। बेटा ये एलसीएम करके आया ना, आप नीचे से नीचे वाली संख्या देखो ना, 14 के पहाड़े में ये 14 कितनी बार आएगा, 14 के पहाड़े में 14, हर से हर में जाओ, 14 के पहाड़े में 14 एक बार आता है ना, 14 × 1 = 14, वो एक यहाँ लिखना है मैंने। फिर अभी 7 की बारी, इस 7 के पहाड़े में फिर से ये 14 को देखो कितनी बार आता है, 2 × 7 × 14। ठीक है ऐसे देखते हैं। एक और सवाल दे दूं पोल में? यस मैम। एक बार सभी बच्चे सही करेंगे उसको। ठीक है चलिए एक बार सिंपल वाला देती हूँ। अब माइनस का निशान की टेंशन नहीं है, इसका आंसर निकालो, देखते हैं इसका आंसर सही निकालते हैं या नहीं।
13 बट्टे 2 और 17 बट्टे 8 को जोड़िए। एलसीएम ले लीजिएगा सबसे पहले। मैम कितने बच्चों का आ गया? 3 बच्चों का आ गया आंसर। ये 6 में से चलो इस बार 4 बच्चों का ठीक है, तभी ये वाला सवाल आप लोग सही कर रहे हैं। कितने बच्चों का आ गया? 9 बच्चों का आंसर आ गया है। आपका सही है। 9 में से 7 बच्चों का ठीक है। हम साफ आवाज नहीं आ रही है। मैम कितने बच्चों का आंसर आ गया? बेटा 11 बच्चों का आ गया आंसर। बेटा मुझे लग रहा है आज आपकी तरफ से बहुत इंटरनेट इश्यू है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बाकी बच्चों को तो आवाज आ रही है। बेटा 15 ही बच्चों का आंसर आया, सभी बच्चे आंसर करो जल्दी जल्दी। मैम सभी का हो गया। मैम हो गया? हो गया? यस मैम हो गया। चले काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैम। 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए फिर जल्दी से कराती हूँ मैं। देखो 2 और 8 का एलसीएम तो 8 ही आना है ना, कुछ संख्या हमें याद ही रहती है। 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8। ऊपर है 13 लगा दिया गुना बॉक्स, बीच में प्लस का निशान, 17 गुना बॉक्स। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है? इस 2 के पहाड़े में ये 8 कितनी बार आएगा? 4 बार। 2 चौके 8। 8 के पहाड़े में ये 8 कितनी बार आएगा? 8 के पहाड़े में 8 एक बार आता है। लगा दिया। 13 को 4 से गुणा करो। क्या बेटा आवाज नहीं आ रही है क्या? 52। मैम कॉपी दिखाओ। 52। 52। नहीं अभी नहीं दिखानी, मैं करवा रही हूँ, टाइम अप होने वाला है ना। 17 को 1 से किया, 17 बट्टे 8। 52 और 17 को जोड़ो कितना आएगा? 69 बट्टे 8। ए इसका सही आंसर है। बेटा ये इतना इजी सवाल होने के बाद भी ना 5 बच्चों ने गलत किया हुआ है, ठीक है मैम? हमने गलत किया हुआ है मैम, हमने 41 की जगह लिख दिया, 41 की जगह।
हाँ तो ये रटने वाली चीज नहीं है ना, ये मैंने आपको ऐसे समझाया था ऐसे ही करना है। क्लियर हो गया? यस मैम, सही है। हाँ वेरी गुड हर्ष, एकदम करेक्ट है, सही है मेरा। हाँ सही है। देखो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अगली क्लास हम देखेंगे कि गुणा सॉरी माइनस कैसे करते हैं, ठीक है? और प्रिपेयर जरूर करेंगे, होमवर्क जरूर करेंगे और मुझे शेयर जरूर करना।